हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 35। ये 24 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। ये वर्कशीट है आपकी इंग्लिश का जो चैप्टर टू है, फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसका चैप्टर टू, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी पर बेस्ड ये वर्कशीट है। एक वर्कशीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस पर और उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी यहाँ पर आपको समझा रहे हैं आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके। तो अब इस वर्कशीट में क्या है जल्दी से देख लेते हैं। तो जो पहला पैसेज आपको यहाँ दिया गया है वो पिछली वर्कशीट के बारे में है कि पिछली वर्कशीट में हमने क्या डिस्कशन किया था, तो शॉर्ट में वो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें यही है कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ऐसे प्रेसिडेंट जिनकी स्किन का कलर ब्लैक था, वो ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। और ये कब हुआ था? ये आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। तो 300 साल तक जो है वहां पर वाइट लोग जो थे वो उन पर राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और उसके बाद फाइनली साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला जी। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 में से 252 सीट जो है उनकी पार्टी ने जीती थी। और वो थे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। इन इलेक्शंस में उन्होंने 252 जो है सीट जीती थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उनके प्रेसिडेंट बनने की, वो यूनियन बिल्डिंग्स का जो एम्फीथिएटर था प्रिटोरिया में, वहां पर हुई। और उस वहां पर दुनिया भर में से 140 कंट्रीज के जो लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, डिग्नेटरीज थे, फेमस पीपल थे, वो सब इकट्ठे हुए थे। वहां की स्पीच में उनका जो एड्रेस था इन लोगों को, नेल्सन मंडेला जी ने कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो कभी भी ये जो लैंड है साउथ अफ्रीका का, वो कभी भी ये एक्सपीरियंस, वो ऑपरेशन एक्सपीरियंस नहीं करेगा जहाँ लोग एक दूसरे को दबाएं, ऑप्रेस करें। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloureds celebrating together. तो जब ये सेरेमनी हुई उसके बाद जो है चारों तरफ जो है बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल था, सभी लोग बहुत ही खुश थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद लव। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो 1 लाख से भी ज्यादा जो है लोग जो है मिलकर उन्होंने गाने गाए और बहुत ही डांस किया और बहुत इंजॉय किया फाइनली इस विक्ट्री पर। तो इसी एड्रेस जो उन्होंने वहां पर दिया नेल्सन मंडेला जी ने, उसी पर बेस्ड ये आपकी वर्कशीट है। तो जल्दी से ये एड्रेस भी देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा लोगों को, कैसे एड्रेस किया। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इनॉग्रेशन वाला जो दिन था तो वो एकदम से ओवरवेलम हो गए, मतलब कि एकदम से हिस्ट्री जो थी उनका अभी तक जो साउथ अफ्रीका का पास्ट रहा है उसने उन्हें एकदम से घेर लिया और एकदम से वो उस हिस्ट्री की इमेजिनेशन में, उसकी सोच में वो डूब गए। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So, 20th century ka jo pehla decade tha, pehle jo 10 saal the 20th century ke, 1900 se leke 1910 tak, तो वो थे साल एंग्लो बोयर की जो वॉर थी उसके बाद के जो साल थे, तब नेल्सन मंडेला जी पैदा भी नहीं हुए थे। उस टाइम पे जो वाइट स्किन के जो लोग थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनसे अपने डिफरेंसेस पैचअप करने की कोशिश की, मतलब कि अपने रिलेशनशिप्स उन्होंने सुधारने की कोशिश की और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें रेशियल डोमिनेशन हुआ, मतलब कि जो डार्क स्किन के लोग थे उन्हें अपनी ही जमीन पर, अपने ही लैंड पर उन्हें दबाया जाता था, उन्हें ऑप्रेस किया जाता था, उन्हें डोमिनेट किया जाता था। और कौन डोमिनेट करते थे? वाइट लोग जो थे, वाइट स्किन जो थे वो डोमिनेट करते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो इन लोगों ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया सोसाइटी का वो अभी तक का सबसे कठोर स्ट्रक्चर था जो पूरी दुनिया ने आज तक नहीं देखा था, और सबसे ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी, इनह्यूमन था वो बहुत ही। Now in the last decade of the 20th century, तो 20th century का जो last decade है, जो बिल्कुल last decade जो है
उसमें एंड माय ओन एट डेकेड एज अ मैन, मतलब कि उनका जो है वो, इसका मतलब है कि उनका जो एट डेकेड है, मतलब कि वो 80 साल के अब हो चुके हैं, उनका ये जो जो साल जो फाइनली जो आखिरी के 10 साल है, 80 साल वो बिता चुके हैं, जो अब ये एक ऐसा सिस्टम वो बनाने जा रहे हैं जो अभी तक का जो रेशियल डोमिनेशन का जो सिस्टम था उसे वो पूरी तरह से जो है अब खत्म कर देने वाले हैं, और एक नया सिस्टम आएगा जो रिकग्नाइज करेगा राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, तो सभी लोगों के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं और उनके जो आजादी है उसको रिकग्निशन मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. तो सिर्फ वाइट पीपल को ही जो है वो फ्रीडम आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी स्किन का कोई भी कलर हो, आप काले हो या गोरे हो, आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको आजादी मिलेगी और आपको अधिकार मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और ये दिन जो है वो आसानी से नहीं आया है, वो बहुत सारे लोगों के, thousands of जो South African लोग हैं उनकी जो suffering है और उनकी जो bravery, उनका जो courage है, उनका उनके इसी मेहनत के बाद जो है, उनकी इन sacrifices के बाद ही ये दिन आ पाया है, और इन्होंने ऐसे सैक्रीफाइस किए हैं साउथ अफ्रीका के लिए जिनको वो कभी भी चुका नहीं पाएंगे, कभी रीपे नहीं कर पाएंगे. द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल. तो ये जो अपार्थेड की पॉलिसी थी, ये पॉलिसी, अपार्थेड का मतलब है कि ब्लैक्स के अगेंस्ट, वो लोग जिनके स्किन का कलर काला है उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, उनको डोमिनेट करना, उनको गुलाम बनाना, उनको स्लेव्स बनाना और उनके अगेंस्ट जो है सिस्टम क्रिएट करना, ये जो पॉलिसी थी, तो इसने उनके ऊपर, उनकी नेल्सन मंडेला जी के लोगों के ऊपर, उनकी उनके देश के ऊपर एक ऐसा डीप और लास्टिंग वूंड, एक ऐसा जख्म छोड़ा था जो बहुत ही ज्यादा गहरा था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. तो उन्हें ये जरूर उन्हें पता था कि ये सब जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के, भले ही generations, मतलब पीढ़ियां चाहे ना जाएं, लेकिन उन्हें ये पता था कि बहुत सारे आने वाले जो साल हैं वो चले जाएंगे, ये जो जख्म उन्हें दिया गया है, प्रोफाउंड हर्ट जो उन्हें, डीप जो गहरा जो जख्म उन्हें दिया गया है, जो दर्द दुख दिया गया है, उससे रिकवर होने में उन्हें कई साल लग जाएंगे. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. लेकिन ये जो इतने साल जो गए थे, गुजरे थे जी ऑपरेशन में और ब्रुटैलिटी के, जो उनके खिलाफ जो बहुत ही दर्दनाक जो चीजें हुई हैं, उसमें एक और भी अनइंटेंडेड इफेक्ट था, मतलब ऐसा इफेक्ट था जो सोचा नहीं गया था, वो इफेक्ट भी था. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिसिलिस, द चीफ लिटिलिस, द यूसुफ डाडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्स ऑफ आर टाइम. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their life may never be known again. तो एक ऐसा इफेक्ट भी आया, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एक ऐसा इफेक्ट भी आया जो जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो था ये जो सारे लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों के कुछ लोगों के नाम है, ये साउथ अफ्रीकन लोग हैं, तो ये उस तरह के आदमी थे, इंसान थे जिनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, मतलब ऐसा करेज, ऐसी ब्रेवरी, ऐसी समझदारी, ऐसा जेनरोसिटी, मतलब ऐसा खुला दिल था उनका जो शायद कभी किसी ने नहीं देखा हो. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. तो नेल्सन मंडेला जी ये भी रिकग्नाइज करते हैं कि शायद जब किसी को इतना ज्यादा ऑप्रेस किया जाता है, परेशान किया जाता है और इतना ज्यादा डीप उनको दर्द दिया जाता है, शायद तभी कोई इतना ज्यादा जो है कैरेक्टर में स्ट्रांग हो पाता है, तभी उनके अंदर जो है स्ट्रेंथ आती है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. तो उनकी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत ज्यादा रिच है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचर ने उन्हें बहुत सारे मिनरल्स दिए हैं, बहुत सारे जेम्स दिए हैं, वहां पर बहुत सारे जो है खदान पाई जाती हैं, डायमंड्स पाए जाते हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. लेकिन नेल्सन मंडेला जी के हिसाब से उनकी कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ, उनकी कंट्री की जो सबसे बड़ी कमाई है, वो इसमें नहीं है कि कितने ज्यादा वहां पर डायमंड्स मिलते हैं, बल्कि उनके जो लोग हैं, उनके कंट्री के जो लोग हैं, वो डायमंड से भी ज्यादा, वो हीरे से भी ज्यादा जो है चमकदार हैं और सच्चे हैं, और वही उनके हिसाब से उनकी कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ है. आई हैव सीन मैन
stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. तो उन्होंने ऐसे लोग देखे हैं जो अटैक्स और जो टॉर्चर उन्हें किया जाता है, अटैक जो किया जाता है, बिना गिरे बिना टूटे उनके सामने वो खड़े रहे और उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, एक ऐसी रेजिलियंस दिखाई जिसमें कि आपको कितनी भी डिफिकल्टी आए आप उसके आगे नहीं झुकते, नहीं टूटते। तो ऐसी उन्होंने जो है इन लोगों ने ऐसी क्षमता दिखाई, ऐसी स्ट्रेंथ दिखाई जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. तो उन्होंने ये भी सीखा नेल्सन मंडेला जी ने कि courage का मतलब ये नहीं है कि आप डरे नहीं, कि आपके अंदर fear ही नहीं है, बल्कि courage का मतलब वो होता है कि आप अपने fear से जो है, अपने डर से जो है, आप उस पर जीत पाएं। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. तो brave वो नहीं है जो जिसे डर नहीं लगता, बल्कि brave वो है जो अपने डर को जीत पाता है, उसे conquer कर पाता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. तो कोई भी पैदा होते ही किसी से नफरत नहीं करने लगता है, किसी को हेट नहीं करने लगता है कि भाई ये काला है तो इसलिए मैं इसे नफरत करने लगूंगा, या इसका बैकग्राउंड ऐसा है, या इसका धर्म ऐसा है इसलिए मैं इससे नफरत करने लगूंगा। पैदा होते ही जो है लोगों के दिमाग में ये आइडियाज नहीं आते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। तो लोगों को जो है हेट करना, नफरत करना जो है उन्हें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही वो नफरत करने लगते हैं, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो डेफिनेटली उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार करना जो है वो हमारे हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को जो है वो नेचुरली आता है। एक जो मदर का जो केयरिंग होता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसकी मदर का जो केयरिंग, जो एटीट्यूड उसकी तरफ से है, तो वो नेचुरली जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे ह्यूमन हार्ट में आता है प्यार करना। तो अगर हम नफरत करना सीख सकते हैं तो उससे ज्यादा आसान है हमारे लिए प्यार करना सीखना। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So, एक इंसान की जो इंसानियत है, उसकी जो goodness है, वो एक ऐसी flame है, एक ऐसी ज्योति है, एक ऐसी आग है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता, उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो है नेल्सन मंडेला जी बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं और कहते हैं कि ह्यूमैनिटी में अभी भी प्यार करने की क्षमता है और हमें इस क्षमता को, इस स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोयर वॉर, एंग्लो बोयर वॉर के बाद क्या हुआ। यहाँ पर से आप आंसर देख सकते हैं। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, ये यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप their differences and created a system of racial discrimination against the dark-skinned people of their own land. तो ये land तक जो है आप यहाँ पर ये answer one लिखेंगे। चलते हैं question two पर। question two आपका कहता है on what basis the structure of Mandela's new government was created, या was missing या was लिख लीजिएगा। तो कौन से basis पे इनका new government created था? तो यहाँ पर आप question में से ही answer लिखेंगे। The structure of Mandela's न्यू गवर्नमेंट वॉज लिखिए, फिर लिखिए वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप देख लीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लिखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर बेस दिए, यहां से आप देख सकते हैं इधर आपको ऑन द, तो वॉज क्रिएटेड के बाद आप लिख सकते हैं द बेसिस ऑफ, इधर से नहीं, सॉरी आप इधर से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ये है आपका आंसर टू। तो जो बेसिस था वो था ये, राइट विच रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ये आंसर टू है आपका। फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन थ्री का आंसर, वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंसेज, पैच अप द डिफरेंसेज जो फ्रेज आया था उसका मतलब क्या है। तो यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ उस फ्रेज का मतलब है टू डील विद अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और रिपेयर
रिलेशनशिप. तो पैचअप द डिफरेंसेस का मतलब है टू डील विद द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और रिपेयर अ रिलेशनशिप. ये है आपका आंसर थ्री. चलते हैं आपके क्वेश्चन फोर पर. व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थेट क्रिएट. तो अपार्थेट की जो पॉलिसी थी उसमें क्या क्रिएट किया था, अभी अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर है. आंसर फोर है द पॉलिसी ऑफ अपार्थेट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन. तो माए की जगह आप लिखेंगे मंडेलाज कंट्री एंड हिज पीपल. तो माए की जगह आप लिखेंगे नेल्सन मंडेला. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इन मंडेलाज कंट्री. तो आप ये वर्ड मंडेलाज लिखेंगे माए की जगह, मंडेलाज कंट्री एंड हिज पीपल. माए की जगह आप लिखेंगे हिज पीपल. तो ये हो जाएगा आपका आंसर फोर. फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ. तो मंडेला जी के हिसाब से ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. आप यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हिज कंट्रीज. तो इट्स की जगह आप लिखेंगे हिज कंट्रीज पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. तो इट्स की जगह आप लिखेंगे हिज कंट्रीज पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. ये आप लिखेंगे आंसर फाइव में. फिर लिखेंगे आप क्वेश्चन सिक्स का आंसर है हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव. तो मिस्टर मंडेला जो है वो ब्रेव को कैसे डिफाइन करते हैं. तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर. आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला ये द ब्रेव मैन और दैट फियर तक आप लिखेंगे आंसर सिक्स. चलते हैं क्वेश्चन सेवन पर. क्वेश्चन सेवन आपका कहता है यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको पैसेज में से वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका मतलब ये जो दिया गया है वो मतलब है. ऑप्शन ए है सबमर्ज मतलब डूब जाना. तो मैं आपको पहले ही बताया था ओवरवेलम्ड का मतलब होता है डूब जाना सबमर्ज. फिर बी पार्ट है आपका विक्ट्री. तो विक्ट्री का मतलब है ट्रायम्फ. एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझना, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत या विक्ट्री. फिर सी है आपका डीप एंड स्ट्रांग, बहुत ही गहरा और स्ट्रांग वो है प्रोफाउंड, उसका मतलब होता है डीप एंड स्ट्रांग. डी है आपका लार्ज हार्टेडनेस बड़े दिल वाला, उसको कहते हैं जेनरोसिटी बड़े दिल वाला बहुत ही दयालु. ई है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स. तो ऐसी एबिलिटी जिसमें कोई भी हार्डशिप कोई भी डिफिकल्टी हो आप उसको डील करते हैं, आप उसको फेस करते हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं उससे आप रिकवर करते हैं. इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजिलियंस. इसके बाद चलते हैं आपका जो सेकेंड पार्ट है वो है स्टूडेंट कोलैबोरेशन एक्टिविटी. तो आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पर डिस्कस करना है. क्या डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना है कि रियल लाइफ हीरोज जो है, मतलब कि मूवीज में जो आप हीरोज देखते हैं, आप अक्षय कुमार देखते हैं, आप सलमान खान देखते हैं, आप अलग अलग इस तरह के हीरोज देखते हैं, तो उन्हें रियल लाइफ हीरोज बोलते हैं. और रियल लाइफ हीरोज असली जिंदगी में जो हीरोज होते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पर डिस्कस करना है. और फिर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो हाउ. आपको ये भी डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि क्या हम नेल्सन मंडेला जी को एक रियल लाइफ हीरो एक असल जिंदगी में हीरो बुला सकते हैं और हम क्यों बुला सकते हैं. तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी इस वर्कशीट में समझाया है डिस्कस किया है उसके बेसिस पर आप अपने फ्रेंड से ये डिस्कशन कीजिए कि क्यों नेल्सन मंडेला जी को हम रियल लाइफ लाइफ का हीरो बता सकते हैं बुला सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. आप हमें भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप नेल्सन मंडेला जी को रियल लाइफ हीरो क्यों कहना चाहेंगे और वो जो है वो रियल लाइफ हीरोज मतलब कि मूवीज के जो हीरोज होते हैं उनसे अलग कैसे हैं. आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में. उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट अच्छे से आपको समझ आई होगी. इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.